ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम हर रोज़ अपने चैनल पे आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको अपने कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज़ माँ गर्जिया देवी जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएँ। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं तीन ऐसे महत्वपूर्ण काम जो आपको सावन ख़त्म होने से पहले करने ही करने हैं, क्योंकि यदि आपने सावन ख़त्म होने से पहले ये तीन महत्वपूर्ण काम कर लिए तो आपको बहुत बड़ा धन लाभ हो गई होगा। लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर भी करें, जिससे कि सभी लोग इस वीडियो में दी गई जानकारी का पूर्ण लाभ उठा सके। दोस्तों अब हम अपने विषय पे पुनः वापस आते हैं। सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस महीने में जहां कुछ कामों को करना अशुभ माना जाता है, वहीं इस महीने में सोमवार का व्रत और कुछ अच्छे काम करने से भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होती है। आइए दोस्तों आज हम आपको इसी बारे में उपाय बताने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय मंत्रों में से एक है। इसे पंचाक्षरी मंत्र के रूप में जाना जाता है। इसमें मौलिक ध्वनि ओम के साथ पांच अक्षरी मंत्र शामिल हैं, इसलिए इस एक शब्द में बहुत शक्ति है। ये मंत्र सभी वेदों का एक साथ पाठ करने के समान ही व्यक्ति को लाभ देता है। इस मंत्र के उच्चारण से व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है। इस मंत्र का सुबह सुबह जाप करने से व्यक्ति का पूरा दिन अच्छा सकारात्मक ऊर्जा के साथ शांतिपूर्वक व्यतीत होता है। साथ ही इस मंत्र के जाप से व्यक्ति के मस्तिष्क को भी शांति मिलती है। शिव चालीसा भगवान शिव की स्तुति करने का एक तरीका है। इसके पाठ से लोगों के जीवन में चल रही कठिनाइयाँ और परेशानियाँ समाप्त हो जाती हैं। यही नहीं, शिव चालीसा का जाप करने से बीमार महिलाओं को बीमारियों से छुटकारा भी मिलता है। इसके जाप से यानी गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलता है। सावन के महीने में व्रत रखने को श्रद्धा और भक्ति के रूप में देखा जाता है। इससे स्वास्थ्य को भी अनेक लाभ मिलते हैं। यही नहीं, सावन में व्रत रखने से चर्बी भी जल्द ही कम हो जाती है। इससे व्यक्ति की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, सावन में ये जो काम है यदि आप करेंगे सब, तो आपको इसके अनेक लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे। सावन का महीना काफ़ी लंबा है, इस बार 30 अगस्त 2023 तक चलेगा। जब तक आप ये सब काम करें और देखें आपको इसका कितना बड़ा फल मिलेगा। भोलेनाथ की कृपा आप पे बरसेगी और आप अपना पूरा बच्चा जीवन अपने परिवार के साथ अच्छे तरीके से व्यतीत कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।